ले जी, आज फिर पंजाब ब्यूरोक्रेसी की शामत आ गई है, क्योंकि आज वजीर आजम साहब जा रहे हैं पंजाब में, और पंजाब में जाके वो करेंगे क्या? सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार को सामने बिठा लेंगे कि तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड, तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, सुनते रहेंगे। उसके बाद खुद डेरा इस्माइल खान वाले को उठा के तो फेंकेंगे रावलपिंडी में, रावलपिंडी वाले को उठा के फेंकेंगे राजनपुर में, राजनपुर वाले को उठा के फेंकेंगे सियालकोट में, और इस तरह से घुमन घेरियों में डाले रखेंगे। इन्होंने एक काम नहीं करना, वो काम क्या है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करना, और जब तक उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करना सूबे पंजाब में तरक्की नहीं होनी, तरक्की सामने नहीं आनी। जब तक उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा उस वक्त तक तरक्की सामने नहीं आएगी। लेकिन इन्होंने करना यही है, मैं पेशगी आपको इतना दे रहा हूं कि इन्होंने करना यही है कि फ्लाग उठा के वहां पे फेंक दो, वहां पे वहां से उठा के वहां पे फेंक दो, फ्लाग को मुअत्तल कर दो, फ्लाग को टर्मिनेट कर दो, फ्लाग को ये कर दो, वो कर दो। ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पुछाड़ इन्होंने करते रहना है, और ब्यूरोक्रेसी ने इनके काबू नहीं आना, क्योंकि उस्मान बुज़दार में ये अहलियत ही नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेसी को कहीं कंट्रोल कर सके। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक और लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।